आज हम आपको बताएंगे खून को साफ करने के लिए किन चीज़ों का सेवन करें। सबसे पहले आपको बता दें कि सौंफ खून की सफाई के लिए सबसे अच्छे विकल्प है। रोजाना सौंफ के इस्तेमाल से शरीर का खून शुद्ध होता है और सौंफ के कई तत्व होते हैं सौंफ में जो आंखों की रोशनी भी बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि सुबह गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीना चाहिए। यह पेट को साफ करने में मदद करता है। यह लीवर में रस के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे पाचन संबंधित समस्या भी ठीक होती है। नींबू में मौजूद एसिड आपके पाचन तंत्र को सही करने में मदद करता है और जिससे खून साफ होता है। ज़्यादातर भारतीय घरों में खाना बनाते समय लहसुन अदरक और प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। यह तीनों आहार पकाने के बाद उतने फायदेमंद नहीं होते जितने कि कच्चे होते हैं, इसलिए अपने रोजाना खाने में थोड़ा सा कच्चा लहसुन अदरक प्याज शामिल करें। आप फलों और सब्जियों के सलाद में ये चीज़ें डालकर भी खा सकते हैं। यह रक्त को तेजी से साफ करते हैं। आपको बता दें कि शिमला मिर्च न केवल रक्त और संचालन प्रणाली से विषैले पदार्थ को बाहर निकालती है बल्कि पाचन तंत्र को भी शुद्ध करती है। रक्तचाप और नियंत्रण करने में भी मदद करती है। शिमला मिर्च में विटामिन ए, बी और सी का अच्छा स्रोत होता है। साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज भी मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि खीरा का नियमित सेवन करने से रक्त से दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसके सेवन से पानी, पोटेशियम और विटामिन सी मिलती है जिससे खून साफ तेजी से होता है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।